फाइल मेन्यू, ओपन, सब लेयर्स। अब जो आर्टवर्क आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आर्टवर्क जो है वो अपनी अपनी लेयर्स के ऊपर क्रिएट किया गया। जैसे करेक्टर्स की अपनी एक लेयर मौजूद है, माउंटेन्स की अपनी एक लेयर मौजूद है, सी लाइंस जो है वो अपनी एक लेयर में है, बर्ड्स अपनी एक लेयर के ऊपर है, प्लांट्स, इसी तरह सो ऑन। हर एलिमेंट जो है वो खुद की एक लेयर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम करेक्टर्स लेयर को एक्सपैंड करते हैं तो हमें इसमें सब लेयर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इलस्ट्रेटर, कि आपकी हर चीज एक सिंगल स्टेट में काउंटेबल है। अगर आप माउंटेन्स की सब लेयर में जाते हैं तो आप एक एक वैल्यू को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लाउड, एक क्लाउड अगर आपको ऊपर को थोड़ा सा मूव करना है तो भी पॉसिबल है, एक क्लाउड को आपको राइट टू लेफ्ट लेके आना है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे हर वैल्यू जो है वो एक वेक्टर स्टेट है और सेपरेट लेयर पे रिकॉर्ड की गई है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये लेयर इलस्ट्रेटर खुद बना रहा है। हाँ, इसकी जो कंट्रोलिंग और जो ब्यूटिफिकेशन इस वक्त आप इस लेयर पैनल में देख रहे हैं, ये आपको लुक आफ्टर करनी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने लेयर्स को मैनेज करना देखा था। काम करते हुए भी लेयर्स को साथ साथ मैनेज किया जा सकता है, या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।